नमस्कार बंधुरा, वैदिक स्पिरिचुअल हिलिंग चैनलेर पक्ष थेके आपनादेर जानाई स्वागत। प्रतिदिन आमार चैनले विभिन्न दिनेर टोटका उपाय एवं मंत्रतंत्र विषयक भिडियो देखार जोन्नो अवश्यई सबस्क्राइब करुन। एवं आमार नतून एकटी चैनल, चैनलटीते आपनारा वास्तुशास्त्र, फेंगशुई, न्यूमरोलजी, पामिस्ट एवं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सम्पर्के वीडियो देखार जोन्नो नीचे देवा लिंके अवश्य सबस्क्राइब करुन। आगामी 5 एप्रिल 2020 अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक दिन, आज रविवार एवं सेई साथे त्रयोदशी तिथि। आज सन्ध्या प्रादोषकाले जदि देवादिदेव महादेवेर विशेष भावे पूजार्चना करा जाए ताहले अत्यंत शुभ फल पावा जाए। हिंदूधर्मे प्रदोषव्रतर एक विशेष तात्पर्य व गुरुत्व रही है और ये विशेष 5 एप्रिल रविवार प्रदोषव्रत पालने एक आलदा माहात्म्य रही है। रविवार प्रदोषव्रत कर जीवन विभिन्न आशा आकांक्षा अति सहजे प्राप्ति घटे। देवादिदेव महादेव के सन्तुष्ट करार जन्नो अवश्य उपवास कर विशेष प्रदोषव्रत पालन करा उचित। आमरा जानी प्रति मासे दुटी करे प्रदोष व्रत आसे, एकटी शुक्लापक्ष एवं एकटी कृष्ण प्रदोष व्रत। एबारेर जे रविवारेर प्रदोष व्रत ता हलो शुक्लापक्षेर प्रदोष व्रत। कोनो व्यक्तिर सर्वदा सुख ओ शांतिर जन्य एई विशेष व्रत पालन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जन्मकुंडलीते थाका रविर अशुभ प्रभाव थेके मुक्तिर जन्य एई विशेष दिने जदि देवादिदेव महादेवेर उद्देश्ये पूजा अर्चना करा जाए ताहले अत्यंत शुभ फल पावा जाए। ताई बर्तमाने चलते थाका जे महामारी सेखान थेके मुक्ति पावार जन्य अवश्य पूजा अर्चना करा उचित। देवादिदेव महादेव हलेन समस्त आरोग्यर उत्स, ताई ताके जदि सन्तुष्ट करा जाए ताहले बर्तमाने चलते थाका ई समस्या थेके आमरा अवश्य मुक्ति पाब। एई विशेष उपवासेर फले दीर्घ जीवन प्राप्ति घटे एवं वैवाहिक जीवने चलते थाका विभिन्न समस्या थेके मुक्ति पावा जाए। ए विशेष प्रादोश व्रतते देवादिदेव महादेव एवं सेई साथे मा पार्वतीर उपासना करले आपनार समस्त अभिलाष अवश्य पूर्ण होबे। ताई हिंदू पंचांग अनुसारे ए विशेष चंद्र मासे त्रयोदशी तिथिते अवश्य उपवास करे देवादिदेव महादेवेर शिवलिंगे गरुर दूध निवेदन करुन। विशेष उपासना एवं उपवासेर फले अवश्य देवादिदेवेर आशीर्वाद आपनी पाबेन। प्रदोष व्रतते अवश्य सकाल सकाल उठे स्नान सेरे देवादिदेव महादेवेर उद्देश्ये बेलपत्र, चाल, फूल, धूप, प्रदीप, फल, पान, सुपारी, बादाम प्रभृति निवेदन करुन एवं गंगाजल निवेदनेर माध्यमे देवादिदेव महादेवेर शिवलिंगे अवश्य अभिषेक करुन एवं सेई साथे काँचा दूध निवेदन करते भूलें ना। और एमनटा करले आपनार वैवाहिक जीवन, सौभाग्य एवं विभिन्न क्षेत्रे सुख ओ सम्पदेर बृद्धि घटबे। तारपरे आपनी आपनार पुरो गृहे गंगा जल दिए अवश्य शुद्ध करुन एवं सेई साथे प्रदोष व्रत कथा अवश्य पाठ करुन, ताहले देखबेन अत्यंत शुभ फल पाबेन। एई विशेष दिन हलो रविवार और रविवार मानेई सूर्यदेवर संगे एक निविड़ सम्पर्क। तई आमादेर जीवने शुभ प्रभाव के बृद्धि करार जन्नो एवं अशुभ प्रभाव के दूरे सरानोर जन्नो सूर्यदेवर उद्देश्य अवश्य प्रणाम करा एवं पूजा अर्चना करा उचित। कारण पंच देवतार मध्य आदि देवता हलो सूर्य, कारण तिनि हलेन प्रत्यक्ष अर्थात आमरा प्रत्येक दिन जाके आमरा देखी और जे सूर्यर छाड़ा पृथ्वी अचल, आमादेर जीवन अचल। ताई सूर्य देवता के अवश्य एई विशेष दिने पूजा अर्चना करा उचित। ताई एई विशेष दिने स्नानेर परे अवश्य सूर्यदेवर उद्देश्य तामार घटीते जल निवेदन करा उचित। सेई साथे जलेर संगे गुड़ एवं लाल फूल निवेदन करले अत्यंत शुभ फल पाबेन एवं संगे अवश्य एई विशेष मंत्र ओम सूर्याय नमो, ओम आदित्याय नमो एई विशेष मंत्र जप करुन। विशेषत रविवारे आपनी कोनो मंदिरे जदि चाल एवं गुड़ प्रदान करें ताहले अत्यंत इतिबाचक प्रभाव पाबेन, आपनार जन्मकुंडलीते थाका सूर्यर अशुभ प्रभाव थेके आपनी मुक्ति पाबेन।
অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি বা হানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই বিশেষ দিনে আপনি অবশ্যই সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করুন। এই বিশেষ দিনে যদি আপনারা একটি লাল কাপড়ের মধ্যে গম বেঁধে কোনো প্রবাহিত জলে প্রবাহ করে দিতে পারেন তাহলে অত্যন্ত শুভ ফল পাবেন, আপনার জীবনে সূর্যের শুভ প্রভাব অবশ্যই পড়বে। একদিকে সূর্য হলেন ভগবান বিষ্ণু, তাই তাকে বলা হয় সূর্য নারায়ণ। আবার অন্যদিকেই বলা হয় সূর্য শিব, অর্থাৎ তিনি শিবের একটি অংশ। তাই এই বিশেষ দিনে একদিকে যেমন নারায়ণ পূজা, অন্যদিকে তেমনভাবে দেবাদিদেব মহাদেবকেও পূজা করলে অত্যন্ত শুভ ফল পাওয়া যায়। তাই সদা সর্বদা জীবনের ইতিবাচক প্রভাব আনতে সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে অবশ্যই প্রণাম করুন এবং সূর্য গায়ত্রী মন্ত্র, সূর্য মন্ত্র অবশ্যই জপ করুন। এবং সেই সাথে ওম নম ভগবতে বাসুদেবায় এই বিশেষ মন্ত্র জপ করুন এবং ওম নম শিবায় এই বিশেষ মন্ত্র জপ করুন। তো বন্ধুরা, অবশ্যই এই বিশেষ দিনে দেবাদিদেব মহাদেবকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করুন। আশা করব ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে, আর ভালো লাগলে বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করুন। নিয়মিত আমার চ্যানেলের আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বটনটি প্রেস করুন। আজ এই পর্যন্ত, নমস্কার।